महाराष्ट्र रेस्क्यू असोसिएशन ही संस्था आहे, त्या संस्थेच्या ऑफिसचा कॉन्टॅक्ट नंबरवर फोन आला, तर त्याच्यावर तो कॉल मला बोल म्हणजे आमच्या ऑफिसवरून मला कॉल ट्रान्सफर केला ग्रुपवर आमच्या. तर त्या टायमाला मी कॉलवर तिथं पोहोचलो, लोकेशन बघितलं, त्या लोकेशनवर मी तर त्या जागी अजगर जातीचा साप आढळला. तिथं ज्या लोकल माणसांनी आम्हाला थोडं हेल्प केली आणि तिथं हमेशा कोणी बी येतात जानवरांसाठी हेल्प करतात. ये भारतीय अजगर है, इसको हिंदी में भारतीय अजगर, मराठी में भी भारतीय अजगर बोलते हैं और इंग्लिश में इसको इंडियन रॉक पाइथन बोलते हैं. ये मॉर्निंग में कॉल आया था हमको, ये मझगांव डॉक जो माहुल चेंबूर के अंदर है, शिप बिल्डर उनका वहाँ पे है, तो वहाँ पे कॉल आया था. हम जब गए तो हमको ये सांप दिखा वहाँ पे, इंडियन रॉक पाइथन, तो हमने उसको रेस्क्यू किया वहाँ पे. जो पाइलिंग का जो सिस्टम है, जो पाइलिंग करते हैं या अंडरग्राउंड मेट्रो बनाते हैं, इससे ज़मीन वाइब्रेट होती है, वाइब्रेट के कारण वो बाहर निकलते हैं, इनके घर को डिस्टर्ब होता है और ये बाहर निकलते हैं. ताबे में इनको देखिए, वहाँ पे उनके साथ में जाके उनको रिलीज़ कर दें. आप देखोगे अभी इनके लिए जंगल बचा ही नहीं है, अब पूरी तरह देखोगे कंक्रीट के जंगल हो गए हैं. हम पब्लिक बस्ती इतनी बढ़ गई है कि वहाँ पे इनके लिए जगह बचा ही नहीं है. अभी अब जहाँ पे भी देखो डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, पर इनके लिए अभी जगह बचा ही नहीं है. तो हमारा मानना ये है कि इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए.